कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। श्री रामकृष्ण कहते हैं कर्म निष्काम करना चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कर्म करता है वे अच्छे हैं, वह निष्काम कर्म करने की चेष्टा करता है। मणि कहते हैं जी हां। अच्छा, जहां कर्म है वहां क्या ईश्वर मिलते हैं? राम और काम क्या एक ही साथ रहते हैं? हिंदी में मैंने पढ़ा है कि जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं तह काम। श्री राम कृष्ण कहते हैं कर्म सभी करते हैं, उनका नाम लेना भी कर्म है, सांस लेना और छोड़ना भी कर्म है। क्या मजाल है कि कोई कर्म छोड़ दे? इसलिए कर्म करना चाहिए, किंतु फल को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। मणि कहते हैं तो क्या ऐसी चेष्टा की जा सकती है कि जिससे अधिक धन मिले? श्री राम कृष्ण कहते हैं हां की जा सकती है, किंतु यदि विद्या का परिवार हो तो अधिक धन कमाने का प्रयत्न करो, परंतु सद उपाय से। उद्देश्य उपार्जन नहीं, ईश्वर की सेवा है। धन से यदि ईश्वर की सेवा होती है तो उस धन में कोई दोष नहीं है। मणि कहते हैं घर वालों के प्रति कर्तव्य कब तक रहता है? श्री रामकृष्ण कहते हैं उन्हें भोजन वस्त्र का अभाव न हो। संतान जब स्वयं समर्थ होगी तब भार ग्रहण की आवश्यकता नहीं। चिड़ियों के बच्चे जब खुद चुगने लगते हैं तब मां के पास यदि खाने के लिए आते हैं तो मां चोंच मारती है। मणि पूछते हैं कर्म कब तक करना होगा? श्री राम कृष्ण कहते हैं फल होने पर फूल नहीं रह जाता। ईश्वर लाभ हो जाने से कर्म नहीं करना पड़ता, मन भी नहीं लगता। ज्यादा शराब पी लेने से मतवाला होश नहीं संभाल सकता, दो अन्नी भर पीने से कामकाज कर सकता है। ईश्वर की ओर जितना ही बढ़ोगे उतना ही वे कर्म घटाते रहेंगे। डरो मत, गृहस्थ की बहू के जब लड़का होने वाला होता है तब उसकी सास धीरे धीरे काम घटाती जाती है, दसवें महीने में काम छूने तक नहीं देती। लड़का होने पर वह उसी को लिए रहती है। जो कुछ कर्म है जहां वे समाप्त हो गए कि चिंता दूर हो गई। गृहिणी घर का सारा कामकाज समाप्त करके जब कहीं बाहर निकलती है तब जल्दी नहीं लौटती, बुलाने पर भी नहीं आती। मणि पूछते हैं अच्छा ईश्वर लाभ के क्या मायने हैं? ईश्वर दर्शन किसे कहते हैं और किस तरह के होते हैं? श्री राम कृष्ण कहते हैं वैष्णव कहते हैं कि ईश्वर मार्ग के पथिक चार प्रकार के होते हैं, प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्धों में सिद्ध। जो पहले ही पहल मार्ग पर आया है वह प्रवर्तक है। जो भजन पूजन जप ध्यान नाम गुण कीर्तन आदि करता है वह साधक है। जिसे ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव मात्र हुआ है वह सिद्ध है। उसकी वेदांत में एक उपमा है, वह यह है कि अंधेरे घर में बाबूजी सो रहे हैं, कोई टटोलकर उन्हें खोज रहा है। कोच पर हाथ जाता है तो वह मन ही मन कह उठता है यह नहीं है। झरोखा छू जाता है तो भी कह उठता है यह नहीं है। दरवाजे में हाथ लगता है तो यह भी नहीं है। नेती नेती नेती। अंत में जब बाबूजी की देह पर हाथ लगा तो कहा यह बाबूजी हैं, अर्थात अस्थि का बोध हुआ। बाबूजी को प्राप्त तो किया किंतु भली भांति जान पहचान नहीं हुई। एक दर्जे के और लोग हैं जो सिद्धों में सिद्ध कहलाते हैं। बाबूजी के साथ यदि विशेष वार्तालाप हो तो वह एक और ही अवस्था है।
यदि ईश्वर के साथ प्रेम भक्ति द्वारा विशेष परिचय हो जाए तो दूसरी ही अवस्था हो जाती है। जो सिद्ध है उसने ईश्वर को पाया तो है, किंतु जो सिद्धों में सिद्ध है उसका ईश्वर के साथ विशेष परिचय हो गया है, परंतु उनको प्राप्त करने की इच्छा हो तो एक न एक भाव का सहारा तो लेना पड़ता है, जैसे शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य या मधुर भाव। शांत भाव ऋषियों का था, उनमें भोग की कोई वासना न थी, ईश्वर निष्ठा थी, जैसी पति पर स्त्री की होती है। वह यह समझती है कि मेरे पति कंदर्प हैं। दास्य भाव जैसे हनुमान जी का था, राम काज करते समय सिंह तुल्य। स्त्रियों का भी दास्य भाव होता है, पति की हृदय खोलकर सेवा करती हैं। माता में भी यह भाव कुछ कुछ रहता है, यशोदा में था। सख्य भाव, मित्र भाव, आओ पास बैठो। सुदामा आदि श्री कृष्ण को कभी झूठे फल खिलाते थे, कभी कंधे पर चढ़ते थे। वात्सल्य भाव जैसे यशोदा का, स्त्रियों में भी कुछ कुछ होता है। स्वामी को खिलाते समय मानो जी काढ़ कर रख देती हैं। लड़का जब भरपेट भोजन कर लेता है तभी मां को संतोष होता है। यशोदा कृष्ण को खिलाने के लिए मक्खन हाथ में लिए घूमती फिरती थी। मधुर भाव जैसे श्री राधिका का, स्त्रियों का भी मधुर भाव है। इस भाव में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य सब भाव हैं। मणि पूछते हैं, क्या ईश्वर के दर्शन इन्हीं नेत्रों से होते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं, चर्म चक्षु से उन्हें कोई नहीं देख सकता। साधना करते करते शरीर प्रेम का हो जाता है, आंखें प्रेम की, कान प्रेम के, उन्हीं आंखों से वे दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं कानों से उनकी वाणी सुन पड़ती है, और प्रेम का लिंग और योनि भी होती है। यह सुनकर मणि खिल खिलाकर हंस पड़े। श्री राम कृष्ण जरा भी नाराज न होकर फिर कहने लगे, इस प्रेम के शरीर में आत्मा के साथ रमण होता है। मणि फिर गंभीर हो गए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर को बिना खूब प्यार किए दर्शन नहीं होते। खूब प्यार करने से चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देते हैं। जिसे पीलिया हो जाता है उसे चारों ओर पीला ही पीला दिखाई पड़ता है। तब मैं वही हूं यह बोध भी हो जाता है। मतवाले का नशा जब खूब चढ़ जाता है तब वह कहता है, मैं ही काली हूं। गोपियां प्रेमोन्मत्त होकर कहने लगी, मैं ही कृष्ण हूं। दिन रात उन्हीं की चिंता करने से चारों ओर वे ही दिखाई देते हैं। जैसे थोड़ी देर दीप शिखा की ओर ताकते रहो तो फिर चारों ओर सब कुछ शिखामय ही दिखाई देता है। मणि सोचते हैं कि वह शिखा तो सत्य शिखा है नहीं। अंतर्यामी श्री राम कृष्ण कहने लगे, चैतन्य की चिंता करने से कोई अचेत नहीं हो जाता। शिवनाथ ने कहा था, ईश्वर की बार बार चिंता करने से लोग पागल हो जाते हैं। मैंने उससे कहा, चैतन्य की चिंता करने से क्या कभी कोई चैतन्यहीन होता है? मणि कहते हैं, जी समझ गया, यह तो किसी अनित्य विषय की चिंता है नहीं। जो नित्य और चेतन है उनमें मन लगाने से मनुष्य अचेतन क्यों होने लगा? श्री राम कृष्ण प्रसन्न होकर कहते हैं, यह उनकी कृपा है। बिना उनकी कृपा के संदेह भंजन नहीं होता, संदेह दूर नहीं होता, आत्मदर्शन के बिना संदेह हटता नहीं है। उनकी कृपा होने पर फिर कोई भय की बात नहीं रह जाती। पुत्र यदि पिता का हाथ पकड़कर चले तो गिर भी सकता है, परंतु यदि पिता पुत्र का हाथ पकड़े तो फिर गिरने का कोई भय नहीं। वे यदि कृपा करके संशय दूर कर दें और दर्शन दें तो फिर कोई दुखी नहीं।
परंतु उन्हें पाने के लिए खूब व्याकुल होकर पुकारना चाहिए, साधना करनी चाहिए, तब उनकी कृपा होती है। पुत्र को दौड़ते हांफते देखकर माता को दया आ जाती है, मां छिपी थी सामने प्रकट हो जाती है। मणि सोच रहे हैं, ईश्वर इतनी दौड़ धूप क्यों कराते हैं। श्री राम कृष्ण तुरंत कहने लगे, उनकी इच्छा कि कुछ देर दौड़ धूप हो तो आनंद मिले। लीला से उन्होंने इस संसार की रचना की है, इसी का नाम महामाया है। अतएव उस शक्ति रूपिणी महामाया की शरण लेनी पड़ती है। माया के पाशों ने बांध लिया है, फांस काटने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। कोई ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहे तो उसे पहले आद्या शक्ति रूपिणी महामाया को प्रसन्न करना चाहिए। वे संसार को मुग्ध करके सृष्टि स्थिति और प्रलय कर रही हैं। उन्होंने सबको अज्ञानी बना डाला है। वे जब द्वार से हट जाएंगी तभी जीव भीतर जा सकता है। बाहर पड़े रहने से केवल बाहरी वस्तुएं देखने को मिलती हैं, नित्य सच्चिदानंद पुरुष नहीं मिलते। इसलिए पुराणों में है, सप्तशती में मधु कैटभ का वध करते समय ब्रह्मादि देवता महामाया की स्तुति कर रहे हैं। संसार का मूल आधार शक्ति ही है। उस आद्या शक्ति के भीतर विद्या और अविद्या दोनों हैं। अविद्या मोह मुग्ध करती है। अविद्या वह है जिससे कामिनी और कांचन उत्पन्न हुए हैं, वह मुग्ध करती है। और विद्या वह है जिससे भक्ति दया ज्ञान और प्रेम की उत्पत्ति हुई है, वह ईश्वर मार्ग पर ले जाती है। उस अविद्या को प्रसन्न करना होगा, इसीलिए शक्ति की पूजा पद्धति हुई। उन्हें प्रसन्न करने के लिए नाना भावों से पूजन किया जाता है, जैसे दासी भाव, वीर भाव, संतान भाव। वीर भाव अर्थात उन्हें रमण द्वारा प्रसन्न करना, शक्ति साधना। सब बड़ी विकट साधनाएं थी, दिल लगी नहीं। मैं मां के दासी भाव से और सखी भाव से 2 वर्ष तक रहा, परंतु मेरा संतान भाव है। लड़कियां शक्ति की एक मूर्ति हैं। पश्चिम में विवाह के समय वर के हाथ में छुरी रहती है, बंगाल में सरोता अर्थात उस शक्ति रूपिणी कन्या की सहायता से वर माया पाश काट सकेगा, यह वीर भाव है। मैंने वीर भाव से पूजा नहीं की, मेरा तो संतान भाव था। कन्या शक्ति स्वरूपा है, विवाह के समय तुमने नहीं देखा, वर अहमक की तरह पीछे बैठा रहता है, परंतु कन्या निशंक रहती है। ईश्वर लाभ करने पर उनके बाहरी ऐश्वर्य संसार के ऐश्वर्य को भक्त भूल जाता है। उन्हें देखने से उनके ऐश्वर्य की बात याद नहीं आती। दर्शनानंद में मग्न हो जाने पर भक्त का हिसाब किताब नहीं रह जाता। नरेंद्र को देखने पर तेरा नाम क्या है, तेरा घर कहाँ है, यह कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहती, पूछने का अवसर ही कहाँ है। हनुमान से किसी ने पूछा आज कौन सी तिथि है, हनुमान ने कहा भाई मैं दिन तिथि नक्षत्र कुछ नहीं जानता, मैं केवल श्री राम का स्मरण किया करता हूं। अब परिच्छेद 10 का आरंभ करते हैं। दक्षिणेश्वर में अंतरंग भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण, श्री राम कृष्ण की प्रथम प्रेमोन्माद अवस्था। आज श्री राम कृष्ण बड़े आनंद में हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में नरेंद्र आए हैं और भी कुछ अंतरंग भक्त हैं। नरेंद्र ने यहां आकर स्नान किया, प्रसाद पाया। आज आश्विन की शुक्ला चतुर्थी है, 16 अक्टूबर 1882 सोमवार। आगामी गुरुवार को सप्तमी है, दुर्गा पूजा होगी। श्री राम कृष्ण के पास राखाल, रामलाल और हाजरा हैं। नरेंद्र के साथ 1-2 और ब्राह्म लड़के आए हैं। आज मास्टर भी आए हैं। नरेंद्र ने श्री राम कृष्ण के पास ही भोजन किया। भोजन हो जाने पर श्री राम कृष्ण ने अपने कमरे में बिस्तर लगा देने को कहा।
जिस पर नरेंद्र आदि भक्त, विशेषकर नरेंद्र, आराम करेंगे। चटाई के ऊपर रजाई और तकिए लगाए गए हैं। श्री राम कृष्ण भी बालक की भांति नरेंद्र के पास बिस्तर पर आ बैठे। भक्तों से, विशेषकर नरेंद्र से, और उन्हीं की ओर मुंह करके हंसते हुए बड़े आनंद से बातचीत कर रहे हैं। अपनी अवस्था और अपने चरित्र का बातों बातों में वर्णन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मेरी इस अवस्था के बाद मुझे केवल ईश्वरी बातें सुनने की व्याकुलता होती थी। भागवत, अध्यात्म, रामायण, महाभारत, कहाँ इनका पाठ हो रहा है, यही सब ढूंढता फिरता था। आर्यादह के कृष्ण किशोर के पास अध्यात्म रामायण सुनने जाया करता था। कृष्ण किशोर का कैसा विश्वास है, वह वृंदावन गया था। वहां एक दिन उसे प्यास लगी। कुएं के पास जाकर उसने देखा कि एक आदमी खड़ा है। पूछने पर उसने जवाब दिया, मैं नीच जाति का हूं और आप ब्राह्मण हैं, मैं कैसे आपको पानी पिला दूं। कृष्ण किशोर ने कहा, तू कह शिव, शिव शिव कहने से ही तू शुद्ध हो जाएगा। उसने शिव शिव कहकर पानी ऊपर निकाल लिया। वैसा निष्ठावान ब्राह्मण होकर भी उसने वही जल पिया, कैसा विश्वास है उसका। आर्यादह के घाट पर एक साधु आया था। हमने सोचा कि एक दिन देखने जाएंगे। काली मंदिर में मैंने हलधारी से कहा, कृष्ण किशोर और हम साधु दर्शन को जाएंगे, तुम चलोगे? हलधारी ने कहा, एक मिट्टी का पिंजरा देखने जाने से क्या होगा। हलधारी गीता और वेदांत पढ़ता था ना, इसी से उसने साधु शरीर को मिट्टी का पिंजरा बता दिया। मैंने जाकर कृष्ण किशोर से वह बात कही तो वह बड़े क्रोध में आ गया। उसने कहा, क्या हलधारी ने ऐसी बात कर दी? जो ईश्वर चिंतन करता है, राम चिंतन करता है, और जिसने उसी उद्देश्य से सर्व त्याग किया है, क्या उसका शरीर मिट्टी का पिंजरा ठहरा? हलधारी नहीं जानता था कि भक्त का शरीर चिन्मय होता है। उसे इतना क्रोध आ गया था कि काली मंदिर में फूल तोड़ने आया करता था, पर हलधारी से भेंट होने पर मुंह फेर लेता था, उससे बोलता तक न था। उसने मुझसे कहा था कि तुमने जनेऊ क्यों फेंक दिया। जब मेरी यह अवस्था हुई तब अश्विन की आंधी की तरह एक भाव आकर वह सब कुछ न जाने कहां उड़ा ले गया, कुछ पता ही नहीं चला। पहले की एक निशानी भी नहीं रही, होश नहीं था। जब कपड़ा ही खिसक जाता था तो जनेऊ कैसे रहे। मैंने कहा, एक बार तुम्हें भी उन्माद हो जाए तो फिर तुम समझोगे। फिर हुआ भी वैसा, उसे उन्माद हो गया। तब वह केवल ओम ओम कहा करता और एक कोठरी में चुपचाप बैठा रहता था। यह समझकर कि वह पागल हो गया है, लोगों ने वैद्य बुलाया। नाटागढ़ का राम कविराज आया। कृष्ण किशोर ने उससे कहा, मेरी बीमारी तो अच्छी कर दो, पर देखो मेरे ओंकार को मत छुड़वाना। एक दिन मैंने जाकर देखा कि वह बैठा सोच रहा है। पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा, टैक्स वाले आए थे, इसीलिए सोच में पड़ा हूं। उन्होंने कहा है रुपया न देने से घर का माल बेच देंगे। मैंने कहा, तो सोचकर क्या होगा, अगर सब उठा ले जाएं तो ले जाने दो, अगर बांधकर ही ले जाएं तो तुम्हें थोड़ी ही ले जा सकेंगे, तुम तो ख यानी आकाश हो। कृष्ण किशोर कहा करता था कि मैं आकाशवत हूं, वह अध्यात्म रामायण पढ़ता था ना, बीच बीच में उसे तुम ख कहो, ऐसा कहकर दिल्लगी करता था, हंसी करता था। सो हंसते हुए मैंने कहा, तुम तो ख हो, आकाश हो, टैक्स तुम्हें तो खींचकर नहीं ले जा सकेगा। उन्माद की दशा में मैं लोगों से सच सच बातें स्पष्ट कह देता था, किसी की परवाह न करता था। अमीरों को देखकर मुझे डर नहीं लगता था। यदु मल्लिक के बाग में यतीन्द्र आया था, मैं भी वहीं था। मैंने उससे पूछा, कर्तव्य क्या है, क्या ईश्वर का चिंतन करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है। यतीन्द्र ने कहा, हम संसारी आदमी हैं, हमारे लिए मुक्ति कैसी। राजा युधिष्ठिर को भी नरक दर्शन करना पड़ा था। तब मुझे बड़ा क्रोध आ गया। मैंने कहा, तुम भला कैसे आदमी हो, युधिष्ठिर का सिर्फ
नरक दर्शन ही तुमने याद रखा है। युधिष्ठिर का सत्य वचन, क्षमा, धैर्य, विवेक, वैराग्य, ईश्वर की शक्ति, ये सब तुम्हें बिल्कुल याद नहीं आता। और भी बहुत कुछ कहने जाता था, पर हृदय ने मेरा मुंह दबा लिया। थोड़ी देर बाद यतीन्द्र यह कहकर कि जरा काम है, ऐसा कहकर चला गया। बहुत दिनों बाद मैं कप्तान के साथ सौरिंद्र ठाकुर के घर गया था। उसे देखकर मैंने कहा, तुम्हें राजा वाजा नहीं कह सकूंगा क्योंकि यह झूठ बात होगी। उसने मुझसे थोड़ी बातचीत की, फिर मैंने देखा कि साहब लोग आने जाने लगे हैं। वह रजोगुणी आदमी है, बहुत कामों में लगा रहता है। यतीन्द्र को खबर भेजी गई। उसने जवाब दिया, मेरे गले में दर्द हुआ है। उस उन्माद की दशा में एक दूसरे दिन वराहनगर के घाट पर मैंने देखा कि जय मुखर्जी जप कर रहा है, पर अनमना होकर। तब मैंने जाकर उसे दो थप्पड़ लगा दिए। ये सारी बातें मैं तुम्हें मेरी उन्माद की अवस्था की बता रहा हूं कि उस समय मेरी अवस्था कैसी थी। एक दिन रासमणि दक्षिणेश्वर में आई, काली माता के मंदिर में आई। वह पूजा के समय आया करती और मुझसे एक दो गीत गाने को कहती थी। मैं गीत गा रहा था, देखा कि वह अनमनी होकर फूल चुन रही है। बस दो थप्पड़ जमा दिए, तब होश संभाल कर हाथ बांधे रही। हल्धारी से मैंने कहा, भैया यह कैसा स्वभाव हो गया, क्या उपाय करूं। फिर माँ को पुकारते पुकारते वह स्वभाव दूर हो गया, उन्माद की अवस्था छंट गई। इस प्रकार सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।